मैं कल भी कहता था, आज भी कहता हूं कि मेरे मुल्क का फैसला मेरे मुल्क के लोग करेंगे, आप करेंगे फैसला। 22 या 24 करोड़ लोगों की इज्तमाई दानिश का मुकाबला बंद कमरे में बैठे हुए चंद लोग नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। कानून की हुक्मरानी होगी तो ये मुल्क आगे बढ़ेगा। मैं नहीं होऊंगा, कोई और बोलेगा, फिर कोई और बोलेगा, फिर कोई और बोलेगा। ज्यादती ना करो, ज्यादती ना करो, उससे सोच नहीं बदल सकती। लोगों को उनका हक दिया जाए, इससे पहले कि लोग अपना हक छीन लें। बहुत अफसोस है, एक दफा सिर्फ रूल ऑफ लॉ को इंप्लीमेंट करके देखे इस मुल्क में। मेरी बात अगर बैन करती है, बैन आईनी है, ट्राई करो मुझे जेल में डालो, ऐसे तो नहीं, ये गलत है। शाकिर भाई, जो गलत है वो गलत है, उसको कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता। रूल ऑफ लॉ तो ये कहता है, मैं अगर गैर कानूनी गैर आईनी बात कर रहा हूं, उठाओ जेल में डालो, ट्रायल करो, जज के सामने पेश करो, मुझे मेरा राइट दो, कानूनी सजा दो अगर मैं गलत हूं तो। और अगर जो आईन और जो कानून मुझे बोलने का हक देता है, अगर वो पसंद नहीं है तो बदल दो, आईन बदलो, कानून बदलो। ज्यादती ना करो, उससे सोच नहीं बदल सकती। ज्यादती से, जुल्म से लोग चुप तो हो सकते हैं, जबाने कुछ अरसा खामोश तो रह सकती हैं, सोच नहीं बदल सकती। नफरत में से नफरत ही निकलती है, मोहब्बत में ही निकलती, आग फैलती है, आग आग को नहीं बुझाती। आज भी मौका है, मैं कल भी कहता था, आज भी कहता हूं कि मेरे मुल्क का फैसला मेरे मुल्क के लोग करेंगे, आप करेंगे फैसला। 22 या 24 करोड़ लोगों की इज्तमाई दानिश का मुकाबला बंद कमरे में बैठे हुए चंद लोग नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। वो करोड़ों पाकिस्तानियों का हक है, वो फैसला करेंगे अपने मुस्तकबिल का, कोई बंद कमरे में फैसला नहीं करेगा। और अगर करेगा तो क्या गारंटी है कि वो फैसला काम करेगा? पिछले 2 साल में आप सब मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे और समझदार और कानून को जानने वाले लोग हैं, क्या इस मुल्क के हालात बेहतर हुए हैं? हर तजर्बे के बाद हम नीचे गए हैं 70 साल से। जब तजर्बा किया नीचे, अगला तजर्बा और नीचे, एक रूल ऑफ लॉ का तजर्बा बस नहीं किया हमने। कानून की हुक्मरानी होगी तो ये मुल्क आगे बढ़ेगा। मैं नहीं होऊंगा, कोई और बोलेगा, फिर कोई और बोलेगा, फिर कोई और बोलेगा। ये आवाज आपको आती रहेगी, आपको सुननी पड़ेगी। लोगों की तरफ देखो, लोग क्या कह रहे हैं, लोग अपना हक मांगते हैं, लोगों को उनका हक दिया जाए, इससे पहले कि लोग अपना हक छीन लें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं इमरान रियाज, पहली दफा मुझे बोलने का मौका मिल रहा है, और वो भी उन लोगों के सामने जो सब मुझसे बेहतर हैं, मुझसे ज्यादा बहादुर हैं,
मुझसे ज्यादा निडर हैं और मुझसे ज्यादा हुब्बुल वतन है। बात है रूल ऑफ लॉ की और हल भी रूल ऑफ लॉ है और कोई हल है नहीं। देखिए जब से ये मुल्क बना है रोज नया तजर्बा, लेकिन मुल्क ठीक नहीं, मुल्क ठीक नहीं हो रहा। आप सब लोग ये बात जानते हैं। क्या रूल ऑफ लॉ है पाकिस्तान में? नो। क्या लेवल प्लेइंग फील्ड है पाकिस्तान में? 9 साफी है ना, सारे तजर्बे करके देखें, नहीं हो रहा एक तजर्बा और करके देख लें, रूल ऑफ लॉ को इंप्लीमेंट करके देखो ये मुल्क ठीक हो जाएगा। हम कानून का निफाज करते हैं सिलेक्टिव, इसकी शक्ल अच्छी नहीं है इसका एहतसाम कर दो, इसका इसको उठा के अंदर डालो, एहतसाब करो, बनाओ केस। पसंद नहीं है, अब ये पसंद है वो पसंद नहीं है उस पर बनाओ केस। सेलेक्टिव जस्टिस नहीं, रूल ऑफ लॉ है पाकिस्तान के हर मसले का हल। मैं आपके सामने खड़ा हूं, कल रात को मैंने कुछ डेटा देखा। हम जब किसी को बहुत हकीर समझते थे ना तो हम कहते थे कि 2% का आदमी, यही सुना है आपने, 2% का आदमी, यही हम कहते थे हमेशा। आज 1% 2.5 रुपए का है। ये तजर्बा किया मुल्क के साथ, 1 इंडियन रुपया 3.5 रुपए का है, ये किया हमने मुल्क के साथ। मैंने किया, मैंने तो नहीं किया, लेकिन सजा काटी है ना करने की। अफगानिस्तान अभी आजाद हुआ थोड़ा अरसा पहले, उनका 1 अफगानी हमारे 4 रुपए का है, 4 रुपए का। हमें लगता है लोग बात करते हैं, इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं जंग हुई तो बर्बाद हो जाएंगे, भाई वो तो 20 साल जंग लड़के निकला, 4 रुपए का 1 अफगानी है। अफगान भी आगे निकल गए, बंगाली भी आगे निकल गए, इंडियन भी आगे निकल गए, हम मिस्त्री बदलते रहे यहां पे इस मुल्क में।